हेलो गाइस, तो एक और वैकेंसी में आप लोग का स्वागत है। तो बिहार में बाहर है नौकरी का बौछार है। तो देखिए दोस्तों, ये संविदा पे वैकेंसी निकल के आ रहा है बिहार सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, इसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, फाइल को देख सकते हैं, क्या कैसे है उसमें क्राइटेरिया, ये सारा चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो वैकेंसी निकल के आया है बिहार स्टेट, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो वैकेंसी है 2024, यहां से निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। ये वैकेंसी दोस्तों संविदा के आधार पर ये होने वाला है। इसका एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है वो अभी हम पीडीएफ के माध्यम से आप लोग के बीच शेयर करने वाले हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो सारा चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले यह 10/6 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सैलरी क्या होने वाला है, ये सारा चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग को। तो बढ़ते हैं हम वीडियो में, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं इसका जो क्या क्या क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस भी क्राइटेरिया में इंक्लूड है या नहीं है, ये सारा चीज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं कहां से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि 10/6/2024 का जो है रिलीज डेट है। 10/6/2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। तो दोस्तों, इसमें जो दिया हुआ है कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, यह बिहार सरकार का एक उपक्रम है, इसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकल के आना है। तो दोस्तों, इसका जो विज्ञापन संख्या, ये सारा चीज देख सकते हैं, ये सारा दिया हुआ है यहाँ पे। ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं। विभिन्न पद पर संविदा के आधार पर नियोजित हेतु विज्ञापन, तो अलग अलग प्रकार के इसमें पद दिए हुए हैं जिसपे संविदा पे ये बहाली होने वाला है। तो दोस्तों, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड निम्नांकित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित के लिए विहित पत्र में सक्रिय कंठ एवं योग्य अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिनके लिए योग्य अर्हता एवं शर्त निम्नता है। तो दोस्तों, इसमें जो है स्टूडेंट जो है इसके योग्य है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते इसका क्या क्या पोस्ट रहने वाला है, वो सारा चीज हम डिस्कस करने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पद का नाम दिया हुआ, पद की संख्या दिया हुआ, कुल प्रतिमाह जो वेतन मिलने वाला वो इसमें इंक्लूड है, अधिकतम आयु क्या है ये दिया हुआ, न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव, इसमें एक्सपीरियंस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, इसका जो पोस्ट देख लेते हैं, मुख्य लेखा पदाधिकारी, एक नंबर का जो पोस्ट है दोस्तों, मुख्य लेखा पदाधिकारी का पोस्ट है। चीफ अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट रहने वाला। दूसरा नंबर का जो पोस्ट है, प्रबंधक वित्त का पोस्ट है, मैनेजर फाइनेंस का है। मैनेजर फाइनेंस का, और तीसरा प्रबंधक लेखा का जो है, मैनेजर अकाउंट का यह है पोस्ट। दोस्तों, तीनों पोस्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर का जो पोस्ट है, मुख्य लेखा पदाधिकारी जो कि चीफ अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है। दूसरा नंबर का पोस्ट जो है प्रबंधक वित्त का है, मैनेजर फाइनेंस का पोस्ट है, और तीसरा जो नंबर का पोस्ट रहने वाला है प्रबंधक लेखा, मैनेजर अकाउंट का ये पोस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या जो है क्राइटेरिया। इसमें एक पोस्ट इंक्लूड है, इसमें भी अत्यंत पिछड़ा के लिए एक पोस्ट, अत्यंत पीछा वर्ग के लिए एक पोस्ट, अनारक्षित में एक पोस्ट अवेलेबल है। मूल वेतन 20,000 है, महंगाई भत्ता 46,000, टोटल जोड़ के इसमें जो है कुल जो है 66,000 रुपए इसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा पेमेंट। और प्रबंधक वित्त के लिए 20,000 है और प्लस महंगाई भत्ता 46,000, टोटल जोड़ के हो जाता आपको 66,000 रुपए टोटल हो जाता, और इसका भी सेम है 66,000। दोस्तों, तीनों का जो रेट कुल जो है आपका सैलरी मिलने वाला 66,000 रुपया, और अधिकतम आयु 45 वर्ष तक के
कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल है और इसमें जो योग्यता है CA प्लस ICW अकाउंट से रिलेटेड ये पोस्ट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसमें अनुभव भी कंपलसरी है। तो अनुभव अभी हम देख लेते हैं इसके बारे में और आगे क्या क्या दिया हुआ। महंगाई भत्ता पोस्ट अनुसूचित वेतन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर दे होगा। दोस्तों पहला नंबर का जो क्राइटेरिया है संविदा अवधि एक वर्ष की होगी जिसमें प्रथम 3 माह परीक्षा अवधि होगी। दक्षता कार्य कुशलता समानता व्यवहार और कॉर्पोरेशन के आवश्यकता अनुसार संविदा अवधि विस्तार की जा सकती है। तो दोस्तों एक वर्ष का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और तीन माह पे जो है आपका जो है ये निरीक्षण किया जाएगा। अगर आप कुशलता पाए जा रहे हैं उस हिसाब से जो है कार्य अवधि का विस्तार कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर में कार्य संतोषजनक पाए जाने पर मूल वेतन में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि कॉर्पोरेशन के द्वारा की जाएगी। अगर आपका कार्य संतोषजनक रहा, अगर आप बढ़िया से काम कर रहे हैं, लूटपाट नहीं कर रहे, तो प्रतिवर्ष 3% का जो है वृद्धि कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। तीसरा नंबर पोस्ट में बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण की नीति का अनुसार किया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्राधिकार द्वारा निर्मित अवैध जाति प्रमाण पत्र छाया प्रति आवश्यकता रूप से संलग्न की जाए। अगर आपको बिहार के वासी हैं, अगर आप इसमें अपना कास्ट का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र इंक्लूड करना कंपलसरी है। 4 नंबर में दिया वित्त पत्र में आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र। मतलब 4 में बोल रहा है कि अगर आप कहीं पे कार्य अनुभव है, कहीं से भी किए हुए कार्य, तो उसका आप इसमें फोटोकॉपी लगा दीजिए। स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ साथ कॉरपोरेशन के कार्य बिहार स्टेट पावर, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यांत्रिक कर्मशाला परिसर पटना हवाई अड्डा के नजदीक शेखपुर पटना में दिनांक 8/7/2024 को अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। जो भी अगर आप इसका इसके लिए एलिजिबल अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट दिया हुआ 8/7/2024 के अपराह्न 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के द्वारा अगर आप भेजते हैं तो ये रिसीव करेगा, वरना नहीं होगा रिसीव। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय में प्राप्त अभियावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर इससे लेट होता है तो उसका कोई रिक्स नहीं होगा। 5 नंबर में बता रहा लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका नाम स्पष्ट लिखे। तो जब भी आप लिफाफा में अपना सारा डॉक्यूमेंट पैक करेंगे तो उसपे आपको लिखना होगा ये विज्ञापन संख्या और पोस्ट का नाम लिख करके ही पोस्ट करना सुनिश्चित किया जा रहा, मतलब उस पर लिख करके ही आपको ये भेजना है। 6 नंबर में आवेदन में उल्लेखित अनुभव मान संतुष्टि है तो पूरी अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा TDS सर्टिफिकेट अथवा सैलरी खाते का बैंक स्टेटमेंट आवेदन के साथ रूप से संलग्न है। मगर अगर आप कहीं पे भी कार्य अनुभव किए हैं तो कार्य अनुभव का जो आपका जो सैलरी स्लिप है वो सारा चीज में प्रिंट आउट लगा के ही भेजेंगे। 7वां नंबर में आवश्यकता अनुसार सचिन योग्यता एवं अनुभव के आधार पर केवल शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं अथवा व्यक्तिगत साक्षरता के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही लिखित परीक्षा के लिए इसमें तदनुसार चयन किया जाएगा, आमंत्रित करके उसका चयन किया जाएगा। 8वां नंबर आवेदन पत्र बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का साइड यहाँ पे दिया हुआ है, डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से आप उसका जो है सारा चीज डाउनलोड करके आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयुक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने के अधिकार बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित होगा। ये कभी भी इसको रद्द कर सकता है, ये पहले ही इसमें नोटिस में दर्शा दिया गया है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की और देखते हैं इसके लिए जो एक फॉर्म निकला हुआ है वो ये फॉर्म है जिसमें कि पोस्ट नेम ऑफ द पोस्ट का नाम भरना है, एप्लीकेंट का नाम भरना है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी क्या है, नेशनलिटी क्या है, सो मैरिड स्टेटस क्या है, सो भरना है इसमें, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इसमें एड्रेस परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों इसमें फिलअप करके उसके बाद एग्जामिनेशन कौन कौन सा बोर्ड है आपका आते हैं, इंटर ग्रेजुएशन BA MCOM जो भी है इसमें वो सारा इसमें लग देना है। इसमें एक सुंदर सा मुखड़ा वाला फोटो लगा देना है और वो फोटो जो है आप एक्स्ट्रा भी ले लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की और देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ। नेम ऑफ आइडेंटिटी, जिस डिपार्टमेंट से आप किए हैं, ये पोस्ट का नाम, पीरियड, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारा इसमें इंक्लूड कर देना है।
उसके बाद जो जैसे इसमें सारा डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करना जो जो डालिएगा वो सारा इसमें आधार कार्ड टेंथ इंटरग्रेशन जो भी लगा के इसको जो है जब आप इसको फिलअप कीजिएगा तो अपना पोस्ट और आईडी जो है इसका विज्ञापन संख्या वो डाल के ही पोस्ट कीजिएगा। तो इसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल में ढिसुम ढिसुम मारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ढिसुम ढिसुम मारे।